आगरा जनपद में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिसकर्मी को भी जान से मारने से भी नहीं बाज आ रहे। बताया जा रहा है कि चंबल नदी से अवैध खनन की बालू लेकर किरावली के गांव अभुआपुरा रेलवे फाटक से प्रतिदिन ट्रैक्टर ट्रालियां गुजरती हैं। मंगलवार को करीब 10 ट्रैक्टर ट्रालियां बालू लेकर जा रही थी, तभी अभुआपुरा रेलवे फाटक के पास बालू से लदी 60 ट्रैक्टर ट्रालियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि खनन माफिया के गुर्गे 3 ट्रैक्टर ट्राली को लेकर भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे सिपाही राघवेंद्र यादव ने उनका पीछा किया। इस पर अभुआपुरा तिराहे के पास खनन माफियाओं के गुर्गों ने सिपाही राघवेंद्र यादव पर जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इससे सिपाही और एक युवक घायल हो गया। इसके बाद शातिर ट्रैक्टर ट्राली मौके ही पे ही फरार छोड़कर भाग खड़े हुए। आपका दीपक बंसल है मेरा नाम। ये जो अभी पुलिस वाले के साथ दुर्घटना हुई है ट्रैक्टर से बता रहे, क्या मामला था? आप थे मौके पे? मामला था, हाँ सर मैं था। मैं रनिंग करके लौट रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। मैंने अपने साथी को बोला जो बाइक लेके चल रहा था, मैंने देखी भाई दोस्त क्या हो गया यहाँ पे। देखा तो बजरपुर से भरी हुई ट्रॉली ओवरलोड थी और ये हमारे जो हेड कॉन्स्टेबल थे वो उनको रोकने के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी को ट्रैक्टर को रोका नहीं और उन्होंने इन्हीं की साइड में ट्रैक्टर को काट दिया, जिससे कि ट्रैक्टर गड्ढे में जा पहुँचा और ये हमारे जो पुलिस वाले थे ये उसके नीचे दब गए। कितनी चोट लगी है? चोट इतनी लगी है कि शायद अगर वहाँ हम रनिंग करने वाले लड़के और आने जाने वाले लोग नहीं होते तो शायद ये एक्सपायर भी हो सकते थे। अच्छा, कितने लोग थे पुलिस वाले? पुलिस वाले एक तो सिविल ड्रेस में थे और ये अपनी वर्दी में थे। अच्छा, जो ट्रैक्टर थे बजरी के बताया, ट्रैक्टर वाला जो था चालक वो वहाँ से भाग गया, वहाँ पे कोई मिला नहीं हमें। इनको इनकी जान बचाने की पहले पड़ी थी। लगभग कितने ट्रैक्टर थे? लगभग वहाँ पे एक ट्रैक्टर था और जो बजरपुर वहाँ से खनन करने जिनको हमारे हुआपरा के लोगों ने रोका था वहाँ पे 4-5 ट्रैक्टर थे गाँव में। मौके पर पुलिस कितने टाइम बाद पहुंची थी? पुलिस वहां पे नहीं पहुंची। लगभग कितने समय बाद पहुंची? नहीं है नहीं, हमने वहां फोन किया था पुलिस के लिए, उसके बाद वहां पे जो 100 नंबर चीता पुलिस वाले हैं वो वहां पे हमें कागरोल चौराहे पे मिले थे 2 बंदे। लगभग कितना समय दुर्घटना के बाद पड़े रहे? 15 मिनट नहीं, वहां तो दुर्घटना पे तो कोई नहीं था जनता के अलावा, लेकिन जो कागरोल वहां से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर ही हमें 100 नंबर पुलिस वाले मिले थे 15-20 मिनट बाद। अब कहाँ लाया गया इनको? अब इनको क्रावली CSC सरकारी अस्पताल में लाया गया है। मौके पे यहाँ कोई पुलिस अधिकारी आया है? मौके पे वहाँ पे तो कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, लेकिन सरकारी अस्पताल है, जैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिली है तो पुलिस अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं। कौन आया है यहाँ पे? साहब CO साहब हैं, दरोगा जी हैं और भी कई कांस्टेबल हैं।